नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आप देख रहे हैं कितने दिनों से हम लगातार ये ऑफलाइन क्लासेस की रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे हैं, और अब ये बैच भी खत्म होने के कगार पे। हम जो काम करते हैं शुरू उसको खत्म पूरा करके ही सांस लेते हैं। अभी अलजेब्रा आपने पढ़ा, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे आप, और जो बच्चे मेन्स की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा अनअकैडमी पे अभी प्लस बैच आया हुआ है, पेड बैच, और जिसके ऊपर अभी फीस भी काफ़ी कम है। आप अभिनय मैथ कोड लगाएंगे तो फीस पे भी काफ़ी छूट है। और इसके अलावा ये आप अनअकैडमी पे अल्ट्रा कॉम्बैट टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें स्कॉलरशिप भी है। अगर आप ये टेस्ट पास करते हैं तो आपको फ्री क्लासेस पढ़ने का मौका मिलेगा, और ये भी अल्ट्रा कॉम्बैट है, तो सारी चीज़ें दे रखी हैं। इनके अलावा मैं अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लास में भी मेंस का प्रैक्टिस बैच लॉन्च करने वाला हूँ, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो अभी जो मैंने क्रैश कोर्स पढ़ा है, जो बच्चे अगले साल की तैयारी कर रहे हैं वो उसको भी पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेस्ट है। और बाकी ये 28 अप्रैल से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं मेंस का, सुबह 10 से 12 एडवांस मैथ्स करेंगे, और फिर 25 मई से रात को 8 से 10 अर्थमेटिक, यानी रेगुलर चलाएंगे सेम टाइम पे दोनों बैचेस, ताकि जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म हो। 200 घंटे की क्लासेस अप्रॉक्स इसमें लगेंगी, ज़्यादा ही लगेंगी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले जानेंगे, जैसे साइन थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती है। साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है? 1 होता है, और मिनिमम मान -1। आपको पता है साइन थीटा बराबर P/H होता है, और पी कभी एच से बड़ा नहीं हो सकता, इसीलिए इसका उत्तर 1 से बड़ा नहीं आता। सेम चीज नहीं, कोई जरूरत नहीं लैपटॉप की, मुझे क्यों होगी। कॉस थीटा का मैक्सिमम मान भी 1 और -1 होता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा की बात करें तो आप समझते हैं कि मैक्सिमम मान तो अभी भी 1 रहेगा, लेकिन मिनिमम अब नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो हम क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। मिनिमम क्या ले लेंगे? 0। ठीक है, अब ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा का भी मैक्सिमम मान 1 होता है, मिनिमम मान 0 होता है। टेन थीटा का मैक्सिमम मान इनफाइनाइट और -इनफाइनाइट। ऐसा क्यों? क्योंकि ये P/B होता है, और P कितना भी बड़ा होता हो सकता है और बी कितना भी छोटा हो सकता है। P/B होता है, पी कितना भी बड़ा, बी कितना भी छोटा, ये सब हो सकता है। ठीक है, यही कॉट थीटा के साथ है सेम स्थिति। अगर कॉट स्क्वायर थीटा की बात करूं, कॉट स्क्वायर थीटा की, तब क्या होगा? तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट, और मिनिमम 0, क्योंकि अब नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मिनिमम क्या मान लिया? 0। यही सेम चीज टेन स्क्वायर थीटा के साथ है। अगर sec थीटा की बात करें, पांडा साहब आप बताइए sec थीटा का मैक्सिमम मान कितना होगा? 1। 2 भी हो जाता है sec 60, तो कैसी बातें कर रहे हैं? इन्फाइनेट, मिनिमम -इन्फाइनेट, क्योंकि ये क्या होता है? H/B होता है, और H/B का मतलब है कि H कितना भी बड़ा हो सकता है B से, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, H कितना भी बड़ा हो सकता है B से। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं, पहले कोसेक थीटा भी लिख लीजिए, कोसेक थीटा का भी सेम सीन है। ठीक है, जैसे इन सब में क्या था पता है? अगर इन सब की मैं रेंज की बात करूं, मैं यहाँ पे रेंज भी लिख देता हूँ, क्योंकि कभी हो सकता है रेंज भी आ जाए पेपर में, कई बार वो इस फॉर्म में लिख भी देता है रेंज के फॉर्म में। तो अभी तक मैंने जितने भी लिखे हैं, मैं इनकी रेंज की बात करूँ, रेंज समझते हैं, परास कहाँ से कहाँ तक होगा। अभी तो हमने मैक्सिमम और मिनिमम की बात की है, कुछ ऐसा हो सकता है बीच में, जैसे मान लेते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे रास्ते से आ रहे हैं जहाँ बीच में कोई और देश भी पड़ सकता है, तो ये बात झूठी भी साबित हो सकती है। समझ रहे हैं कि नहीं? वैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत है, लेकिन कब? जब आप बाई रोड आ रहे हैं, लेकिन अगर आप एरोप्लेन से आ रहे हैं तो हो सकता है बीच में कोई और देश भी पड़ जाए। तो इन सब में कोई और देश नहीं पड़ेगा यहाँ तक,
यहां तक सीधा सीधा तो फंडा है कि ये -1 से 1 तक होता है। और मैं ऐसा वाला ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि -1 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं बताऊंगा आपको अभी भी इन पे कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं। इस बार के सीडीएस के 3-4 दिन पहले के पेपर में भी कैसा सवाल आया था। साइन स्क्वायर थीटा की अगर हम बात करेंगे तो इसका मान होगा 0 से लेके 1 तक। 0 भी हो सकता है नहीं, ये दोनों के लिए है, कॉस थीटा के लिए भी और कॉस स्क्वायर थीटा के लिए भी है। अगर इन्फाइनाइट की बात करें तो देखिए इन्फाइनाइट संभव वैल्यू नहीं है, इसलिए ये हो नहीं सकते, लेकिन इसके बीच की सारी हो सकती है। तो हमने ऐसा वाला ब्रैकेट लगा दिया, दिस ब्रैकेट सोच कि -∞ इन्फाइनाइट नहीं हो सकता है, लेकिन -1 और 1 हो सकता है। तो ये जो ब्रैकेट आता है इसको बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट। क्लोज्ड का मतलब होता है कि इसमें -1 शामिल है। आप बात को समझिए ध्यान से, -1 शामिल है लेकिन इसमें इन्फाइनाइट शामिल नहीं है, क्योंकि इन्फाइनाइट होता नहीं, इन्फाइनाइट जैसी कोई चीज है नहीं। तो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद टेन स्क्वायर डेटा की बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं 0 तो हो सकता है, तो 0 पे तो ऐसा वाला ब्रैकेट लगा देंगे, इन्फाइनाइट पे ये वाला ब्रैकेट। ये दोनों ब्रैकेट भी लग सकते हैं कि एक तरफ क्लोज्ड है एक तरफ ओपन है, इसे ओपन ब्रैकेट कहते हैं। अब आपको ये सब बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, बात की गहराई समझ रहे हैं। कितनी तेजी से धड़कता है पता नहीं क्या होता, किसी को भी दिखा आदमी लगता नहीं क्या हो रहा है क्या हो रहा है। अभी मैंने जो एक गोली ली है 40, ये बहुत बड़े से बड़े दिल धड़कने को खत्म कर देते, मतलब 0 कर देते। ये मैं 20 लेता था बहुत पहले, जब अभी मुझे थोड़े दिन पहले प्रॉब्लम हुई थी, फिर बंद हो गई थी, लेकिन अब डायरेक्ट 40 चालू किया डॉक्टर ने कि इसकी ऐसी तैसी कैसे धड़क जाएगा दिल। हैं 40 mg ले रहा हूँ, हाँ जो 20 लेता था। अभी थोड़ी देर में अपने आप बंद हो जाएगा धड़कना। एक गोली है जो दिमाग से दिल के कनेक्शन को खत्म कर देती है, दिमाग कुछ सोचेगा ही नहीं तो फिर दिल धड़केगा क्यों, बताओ। ऐसी ऐसी दवाइयाँ, और मुझे इन सब की भी टेंशन होने लगी है अब तो, कि दवाइयाँ की भी तो टेंशन हो जाती है कि यार दवाइयाँ कब तक खाते रहोगे, ये वो। योग करना पड़ेगा, योग, अब योगा ट्रेनर चाहिए कोई। साइड इफेक्ट तो क्या रोड पे चलने के भी हैं, कोई भी मार सकता है आप चल रहे हो तो। एक हफ्ता क्या करूं आपको दे दूं, एक हफ्ता कहां ले चलोगे आप। इस बात से परेशान हो कि आपको नींद क्यों आती है ना, कि आपको पढ़ने के लिए टाइम है, और हमारा क्या सही हो गया कि बस काम करते रहो, काम करते रहेंगे तो कुछ नहीं होता, खाली बैठेंगे तो टेंशन है बस। लेकिन कितना काम करे आदमी, कितना काम करे। मैं जैसे खाली बैठता हूं ना तब टेंशन होती है, और कुछ काम करता रहूं, लेसन बना रहा हूं, क्लासेस ले रहा हूं, ठीक है, इट्स ओके यार, काम हो रहा है काम हो रहा है, तो रिलैक्स मिलता है। हाँ मेरे पापा से तो ये सब बातें करो तो एक ही बात कहेंगे, अब कुछ नहीं बेटा, आप शादी कर लो बस सब सही हो जाए। एक ही बात, बड़े बूढ़ों के पास तो एक ही बात होगी, बेटा आप कुछ नहीं, अब बस शादी कर लो। अच्छा आपको बहुत पता, सही कह रहे हैं। अब देखो इस वाले में क्या है ना, इसमें ये पंगा नहीं है, इसमें इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट के बीच से ऐसी चीज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें बीच में 0 नहीं हो सकता। क्या सेक का मान 0 हो सकता है, कब हो सकता है, किस एंगल पे, हाँ क्यों होता है, नहीं होगा कैसे पे, क्या नहीं, वो तो हो गया। मैं कह रहा हूँ सेक 0 हो सकता है, नहीं मैंने ये पूछे हुई जिसका है? सुनो 0 नहीं हो सकता। इसमें क्या है ना कि आप ये नहीं कह सकते, अभी तक हम ये क्या कह रहे थे कि यही इनकी रेंज है, लेकिन इसकी रेंज ये नहीं है, माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट तक, क्योंकि बीच में बहुत से मान ऐसे होंगे जो सेक और कोसेक के नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि सेक और कोसेक साइन और कॉस का उल्टा है, तो साइन और कॉस की जो रेंज है वो नहीं हो सकते। बात समझिए आप, तो या तो आप इस बात को ऐसे लिख दीजिए भाई, आप ये लिख दीजिए, लेकिन ये कोई लिखने का तरीका नहीं हुआ कि माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट और आपने इसमें से घटा दिया क्या -1 से 1। अब आप सोच रहे हो यार आपने अब यहां पे ये पूरा क्यों नहीं घटाया, पूरा मैंने इसलिए नहीं घटाया क्योंकि -1 और 1 तो हो सकता है, हो सकता है, जो हो सकता है उसको क्यों घटाऊं, तो मैंने -1 से 1 घटा दिया। बात की गहराई को समझिए, अगर मैं ये घटा देता तो -1 और 1 भी घट जाता, जबकि सेक का मान 1 तो हो सकता है 0 पे, इसलिए हमने उसको रहने दिया। लेकिन ये लैंग्वेज उतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं है जितनी ये है कि आप क्या करेंगे -∞ से -1 हो सकता है या नहीं, और यूनियन 1 भी हो सकता है 1 से इन्फाइनाइट।
पर इसके बीच की वैल्यू नहीं आएंगे। बड़े ध्यान से समझने वाली बात है, इसमें सवाल आते हैं, ये इसकी रेंज होगी। आप चाहें तो ऐसे लिख लीजिए कि सेक और कोसेक का मान, सेक और कोसेक का मान माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन -1 और 1 के बीच में नहीं हो सकता, बीच में नहीं हो सकता, जबकि -1 और 1 हो सकता है। ये बात आप लिख लो अपने शब्दों में कि सेक और कुसेक का मान माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन -1 और 1 के बीच में नहीं हो सकता। जबकि -1 और 1 हो सकता है। अगर हम स्क्वायर करें सेक स्क्वायर थीटा और कुसेक स्क्वायर थीटा, तो इसका मैक्सिमम मान क्या होगा आप बताइए। आज आप ही क्लास लग रही है पता नहीं क्यों, इनफाइनाइट, और मिनिमम 0। अभी देखिए इतनी सब बातें लगाने के बाद भी आप यही कह रही हो, देखा 0 बोल के आप बदल गई, आप बड़ी जल्दी पलटती हो, केजरीवाल हो। और बताओ देखिए अब क्या होगा, 1 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बड़े का ये पता आप ही की नहीं, आप कई तो किताबें ऐसी हैं मार्केट में जहां पे 0 लिखा हुआ है, जबकि सेक कभी 0 होता ही नहीं, तो सेक स्क्वायर डेटा 0 कैसे हो सकता है। तो कोसेक स्क्वायर डेटा और सेक स्क्वायर डेटा का मिनिमम मान कितना होता है, 1 होता है। ये बड़े काम की बात है। अब आप इसमें बेसिक कुछ सवाल लिख लीजिए, फिर और अच्छे सवाल करेंगे, इसीलिए 2 क्लास दे रहे, नहीं तो एक ही क्लास का टॉपिक है, ताकि हम और कुछ नए सवाल भी करें इस बार। अभी आपने देखा, मैंने अभी आपको सवाल भी बताया था कुछ, एक सवाल पूछा था, जैसे एक ऑप्शन था, मतलब एक स्टेटमेंट था ए साइन अल्फा बराबर 2/5, बी ऑप्शन कॉस अल्फा बराबर 5/3, सी ऑप्शन सेक अल्फा बराबर 4/5, 10 बीटा बराबर 20। निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, ये पूछा था अभी, आया ना सीडीएस में ऐसा सवाल, तो ऐसे कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। अच्छा आई एम, मैं तो आपको देख रहा था यार, आप दिखे नहीं मुझे इतनी देर से, जब उत्तर आता तभी पता चलता आप आए हैं। यही तो होते पढ़ने वाले बच्चों की निशानी। आप देखेंगे 10b क्या होगा, सही है 10b, और साइन अल्फा भी 1 से छोटा होता सही है, लेकिन ये गलत है एक तो, और ये गलत, क्योंकि ये 1 से छोटा नहीं हो सकता और ये 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ऐसे सवाल पेपर में आ रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि अब अगर आपके पेपर में आया तो आप कर लेना, स्टेटमेंट फॉर्म में आएंगे, आपको एकदम कंठस्थ क्लियर होना चाहिए, कहीं भी गड़बड़ ना हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बेसिक बेसिक से सवाल करेंगे टाइप वन में, बहुत बेसिक से सवालों का जवाब आपको देना है। 15+ आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दोनों निकालनी है, जो मैं व्हाइट कलर से लिख रहा हूँ उसकी मैक्सिमम मिनिमम दोनों। 15+ sin² θ, 10 - cos² θ, 11+3 sin θ,
12 माइनस 5 कॉस थीटा, मैक्सिमम मिनिमम दोनों निकालनी है इनकी, ठीक है। 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 21 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 17 कॉस स्क्वायर थीटा 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 17 19 कॉस स्क्वायर थीटा, मैक्सिमम मिनिमम दोनों दोनों बतानी है। फिर और भी सवाल पूछूंगा अभी, आप बताइए बेटे क्या क्या उत्तर आ रहे हैं इनके। फोन तो ऑफ कर रखा मैंने। बताना भाई मैक्सिमम मिनिमम क्या उत्तर आ रहा है। 16। वेरी, अरे कमाल कर दिया जी आपने तो, आप तो गणित के कली हैं, कली जिसका अभी खिलना बाकी है। इन्हें आया। देखो 15 प्लस साइन स्क्वायर डेटा है तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर डेटा का मैक्सिमम मान कितना होता है, 1, तो 16 आ जाएगा, और मिनिमम कितना होता है, 0, तो ये कितना आ जाएगा। अब इसके केस में क्या होगा कि जैसे 10 में से घटा रहे हैं तो जब मैक्सिमम निकालेंगे तो ये चीज मिनिमम होनी चाहिए, यानी कि 0, तो 10 आ जाएगा मैक्सिमम, और जब मिनिमम निकालेंगे तो ये चीज मैक्सिमम होनी चाहिए, उल्टा होगा ना, माइनस है तो 1, तो 9। कई बच्चों ने इसका मैक्सिमम 9 निकाल रखा है और मिनिमम 10, कितने अच्छे हैं वो कि मैक्सिमम 9 हो सके ना, ये है उसे। देखो मुझे तो पता होता है, आपको क्या लग रहा है। अच्छा लाइफ में भी इसका क्या उत्तर हो जाएगा भाई, साइन डेटा 1 मैक्सिमम होगा 11 और 3 14, मिनिमम में 11 माइनस 3। वाओ तुम्हें लग रहा होगा कितने हमसे यूं ही हो रहे हैं सवाल ना। अरे ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि कब तक आपसे यूं ही होंगे और कब तक नहीं आएंगे, इट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ। 12 माइनस 5 कॉस थीटा 17, तो माइनस 1 रख देंगे। अब अगर मैक्सिमम निकालने के लिए देखो, माइनस के केस में क्या होता है कि भाई हम चाहते हैं कि ये कम से कम घटे इसमें से, तो मिनिमम निकलती है उस वक्त, तो 12 5 17, और मिनिमम निकालेंगे तो इस सवाल का देखिए इसमें कुछ नहीं करना, जो बड़ी वैल्यू है जैसे 21 बड़ी है तो मैक्सिमम 21 और मिनिमम 8, आप देखेंगे कैसे कर रहे हैं। आप बताइए, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 8 साइन स्क्वायर थीटा 8 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 13 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया 8 प्लस 13 कॉस स्क्वायर थीटा, आ गया नहीं आ गया बताओ। तो अब आप ये बताओ कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 होना चाहिए, 8 और 13 कितना आ जाएगा 21, और मिनिमम निकालनी है तो ये चीज 0 होनी चाहिए तो कितना आ जाएगा 8। तो मैंने कहा कि ये आप लिखी लो कि जो बड़ी होगी वो मैक्सिमम, जो छोटी होगी मिनिमम। अच्छा इसमें बड़ी कौन सी है, तो मैक्सिमम क्या होगा -9, मिनिमम -17, इसमें मैक्सिमम 15, मिनिमम -19। तो आप अलग से लिख लेना इसको ऐसे करके कि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, तो अगर बी बड़ा है ए से तो मैक्सिमम
बी मिनिमम ए। अब कोई बच्चा उससे पहले सवाल ना पूछे, कई बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, आप में से ही कोई जरूर पूछने वाला होगा किसी ब्रांच से कि जब क्या करेंगे जब ए बराबर बी हो जाए। अबे पागल, अगर ए बराबर बी हो गया तो वो कॉमन आ जाएगा और अंदर एक बन जाएगा, तो मैक्सिमम मिनिमम सेम हो जाएगी फिर उसके इसमें, क्योंकि साइन स्क्वायर डेटा प्लस कॉस स्क्वायर डेटा की मैक्सिमम मिनिमम नहीं निकल सकती, ये तो आइडेंटिटी है, इसका तो मान एक ही होता है, वही मैक्सिमम है वही मिनिमम है। बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर रखनी पड़ेगी बात। पांडला साहब आप बताइए, स्पिंच एंड स्वीट कॉर्न सैंडविच खाने वाले आदमी, स्पिंच सैंडविच का नाम कल मैं बता रही थी स्पेनिश, मैंने कहा डेस्पिसिटो है क्या, ये नॉलेज ही नहीं है, ये तक नहीं बताता कि कौन सी कॉफी हॉट होती है कौन सी वार्म होती है। झूठ मत बोलो, तो एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है जब हमें नॉलेज नहीं है, तो जब हमें पता है कि हम देती हैं भैया, हमें नहीं है नॉलेज, हम एक्सेप्ट करते हैं उस चीज़ को। कितने लोगों को नहीं पता होगा यहाँ पे, जब आप सीसीडी वगैरह जाते हैं किसी से मिलते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि आपकी कॉफ़ी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि एक तो वैसे ही आपको कॉफ़ी इतने दिनों में सीसीडी की मिली होती है, ऊपर से वो ठंडी होती है तो आप तुरंत पी लेते हैं, और सामने लगे तो चलो चलें। तो इसकी एक ट्रिक है कि आपको क्या है ना, ये पता है कैपीचिनो, क्योंकि वो आपने यहाँ पे रिक्शे पे भी पी हुई है, मुखर्जी नगर में रिक्शे पे ही मिलती है कैपीचिनो, पता है कि नहीं? अच्छी मिलती है नो डाउट, मैं ये नहीं कर रहा, वो बंदा आईएएस की तैयारी कर रहा है, उसने अपना कॉफी का रिक्शा चलाया हुआ है एक बंदा रख के, और बहुत अच्छी कॉफी पिलाता है, 10 की आप कितने की, पहले हमारे टाइम पे 10 की थी, अब 15 की हो गई, 5 रुपये बढ़ गए होंगे, मैंने नहीं पी तब से, अच्छी बनाता, आईएएस की तैयारी कर रहा है वो, मैं जानता हूँ उसे, अब पता नहीं कर रहा नहीं कर रहा, उस टाइम तो कर रहा था 2012-13 में, तब से अब तक चल ही रहा है कॉपी का काम, इसका मतलब आईएएस के कर ही रहा होगा। आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा क्या, बहुत हंसी मजाक वाला, कि वो लड़का फोन करता है, कि लड़की फोन करती है लड़के को कि हम शादी कर रहे हैं, हमारे पिताजी कहीं और, अब तो वो कहता है कि नहीं तो तुम आ जाओ काम अभी छोड़ के, कि क्या कर रहे हो तुम, कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, संकल्प लिए जानती हो ना, तो सुनो अब तुम अपने संकल्प को ना जमीन में गाड़ के और रोज पानी देना तो बहुत सारे पौधे गिरेंगे, उन सबको आईएएस बना लेना, अब हमारे पिताजी तो कर रहे हैं, हमारी शादी कहीं और, तुम्हारा संकल्प गया ऐसी जैसी लेना, और पूरा उसको समझाता है कि नहीं आईएएस मजाक नहीं है, हिस्ट्री में हम पिछड़ रहे हैं, ऐसे बोलता है वो। बड़ा मजेदार वीडियो मैं भेजूंगा आपको, आप मुझे पिंग करना, है दोनों बंदे एक ही बंदा एक्टिंग कर रहा है, उधर वो उसकी वाइफ बन जाता है, मतलब फियांसे बन जाता है, और उधर ऐसे कॉल करता है। तो कॉफी का ये सिस्टम है, तो आपको क्या करना है, कैपेचिनो की आदत पड़ गई होती है मुखर्जी नगर से, तो आप वहीं जाके वो मांगते हैं, तो इस बार मैंने सोचा, मैं भी गया जब अभी पिछले संडे सीसीडी, मैंने कहा यार, मैंने कहा भाई कॉफी गर्म बनाना, मैंने उसे ये बात डायरेक्ट बोल दी देसी भाषा में, तो वो बोला भाई सर कैपेचिनो तो गर्म नहीं होती, ये वार्म होती है, अगर आपको गर्म कॉफी लेनी है तो आप कैफे लेटे लीजिए, भाई साहब 1 घंटा हो गया ठंडी नहीं हुई, समझ रहे हो, और वार्म और हॉट हमें पता था, वो एक ब्लोअर नहीं आता रूम हीटर, उसमें लिखा रहता है वार्म अगर कम गर्म हवा चाहिए तो, और हॉट, हम समझ गए, हमने तुरंत हॉट कॉफी मांग ली, ठंडी नहीं हुई 1 घंटे तक भाई साहब, हम मतलब 1 घंटे में भी, भाई आप समझ सकते हो सामने वाले ने कितना टाइम लिया होगा। कितना मजा आता है आपको मेरी कहानियां सुनने में ना। मैं किताब लिखने लगूं इतनी मोटी हो जाएगी प्ले विद एडवांस की तरह, कहानियों में कहानियां जोड़ना, इलॉजिकल कहानियां, इलॉजिकल जोक्स, सब कुछ इलॉजिकल है, इधर मैक्सिमम बतानी है इधर मिनिमम। आप कहते हो ना कि आपके साथ ये जो वक्त है हम भूल नहीं पाएंगे, यही अच्छा होता है, ये मेरे साथ भी सेम ही है, मेरा वक्त भी दिन का वही अच्छा होता है जो मैं आपके साथ बिताता हूँ, सबसे अच्छा वही वक्त होता है, अब उल्टा हो गया ऐसे, पहले मैं आपको ये बात कहता था, मेरे साथ भी ये बात लागू हो गई, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ और वक्त भी अच्छे होना चाहिए। मैक्सिमम में 10 माइनस sec² थीटा 11 माइनस 10 स्क्वायर 2 tan² थीटा 17 माइनस 3 sec² थीटा मैक्सिमम निकालनी है।
मिनिमम बात ना करें भाई, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा? मुझे तो बताए ना, आप कर लोगे ऐसे सवाल। आई ट्रस्ट ऑन यू। जैसे मैक्सिमम निकालना है इसका, अंदर इसकी मिनिमम चाहिए, तो 10 माइनस 1 इसकी। जीरो हो जाएगी 11 इसकी। ये देखिए मिनिमम निकालने, लेकिन इसकी 1 से कम होती नहीं है, तो 11 1 14, इसकी 1 से कम होती नहीं, 12 1 13, 9 प्लस 10 इसका डेटा। इसके केस में क्या होता है जो, हाँ नहीं ऐसे नहीं, वो तो यहाँ पे कोइंसिडेंस है कि 10 0 उसी वक्त होता है जब sec 1 होता है, तो आपने ठीठे रख दिया, नहीं तो पहले आपको चेंज करना पड़ेगा किसी एक में। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 8 tan² θ + 5। अब ये 0 होता है, यही तो आपको इसमें ध्यान रखना है। आप ऐसा अपने हिसाब से ऐसे नहीं पुट कर सकते, एंगल देखने पड़ेंगे। ये भाई साहब बताएंगे मरून टी शर्ट वाले, हाँ जी आपको समझ में आ गया है, तो चलिए एक सवाल पूछता हूँ, वो नहीं आएगा। इसको भाई साहब तोड़ दिया 5, और 10² θ + 1 नहीं होता, पढ़े होगी नहीं कभी सुबेदार साहब, इतनी जल्दी मत भूलो, कहीं ऐसा ना हो 1-8 साल यहाँ रह गए तो यही भूल के शादी हुई है दूसरी कर ली, ध्यान रखना 5 + 8 tan² θ। यार हमें आपका ये हेयरबैंड वाला स्टाइल बहुत अच्छा लगा, हमने कभी ऐसे यूनिक चीजें की नहीं। कल मैंने काफी देर तक अपनी कुंडली, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फॉर एनी रियल थीटा, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
कॉस स्क्वायर कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर साइन थीटा। बोलो तो ऑप्शन लिख दूं। खेल गए? वन कन्फर्म। पांडा भाई आप बताओ, वन ही होनी चाहिए? सीरियसली बताओ। अभी आप इतने होशियार थे, कितना आ रहा है ये? वन प्लस साइन स्क्वायर वन। और कोई बताएगा वन प्लस के अलावा? वन ही होगा, वन ही होगा। वन कितने वाले हैं? वन वाले कितने लोग हैं? काफी सारे। वन प्लस साइन स्क्वायर वन वाले ये भी उतने ही है, बाकी और नहीं है कोई इन दोनों के अलावा। चलो मैं पांडला, आप ही का टेस्ट हो रहा है आज। सर क्या होता है ये बताओ तुम तो खाली मुझे कि इसमें कौन सी चीज बड़ी है? ये बड़ी है, ये इन तीनों में बताओ कौन सी सबसे बड़ी है। जिससे पूछ रहा हूं वही बताएगा, मुंह फालतू में खोल के बर्बाद ना करें शब्दों को। शब्द बहुत कीमती है, वही बोले जो अपने अंदर घुले तो मिठास रहे। वन प्लस कॉस स्क्वायर वन बड़ा है, कैसे निकाला आपने? वन पे बढ़ सकती है। इनका कहना है पांडला साहब का हमारे कि सब वन पे सबसे ज्यादा होगी, और साइन की वैल्यू क्या है कि बढ़ती है तो वन पे कम होगी क्योंकि वो जीरो के नजदीक है। आपको कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि दो तीन दिन पहले काफी डांटा है, तो उसी को कैश कर रहे हैं दोबारा से, आप गलत है। क्योंकि यहाँ वन डिग्री में नहीं है और लगभग वन 57 डिग्री के बराबर है। मतलब मैं बताऊंगा ये भाई डिग्री में होगा तो ये लगा होगा, ये मैं बताऊंगा डिग्री में नहीं है? अजीब आदमी है। कमाल कर रही है। और वैसे भी यहां डिग्री में आने का कोई स्कोप भी नहीं है, अंदर वैल्यू में ही आएगा। और ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है, ये और छोटा होगा घट रहा है, और ये वन है। तो देखा जाए तो सबसे बड़ी वैल्यू तो यही है, लेकिन ये आ सकती है नहीं आ सकती है हमें देखना पड़ेगा।
कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो मैंने देखा कि अगर मैं थीटा 90 ले लेता हूं तो ये जीरो हो जाएगा और कॉस स्क्वायर जीरो वन बन जाएगा, और ये 90 हो जाएगा, साइन स्क्वायर वन पॉसिबल भी है ये आना, इसका मतलब ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू। कॉस स्क्वायर वन तो आना संभव भी नहीं थी थीटा जीरो पे। हाँ थीटा अगर जीरो कर देते तो साइन जीरो जीरो आ जाता तो भी नहीं आता, नहीं आता। वन प्लस कॉस स्क्वायर वन तो आ भी नहीं सकता, बात समझ में आई है नहीं आई? देखो आप कितनी बड़ी गलती करते हैं। अब ऐसे छोटे छोटे सवाल आपको क्या लगता है पेपर में नहीं आएंगे? खूब आएंगे, और आप वहीं सोचते रहोगे 5-10 मिनट, सोचोगे हो गया काम खत्म, उसके बाद लगा देंगे रोले से वन इसका कॉस स्क्वायर वन, क्योंकि ये जीरो के करीब होता है, बड़ा होगा। अरे पहले ये तो देखो कि अंदर अब डिग्री आ ही नहीं सकती, क्योंकि अंदर ही कॉस थीटा और साइन थीटा आ गया, अंदर तो अब मान ही आएंगे नॉर्मल, रेडियन में ही होगा। तो साइन स्क्वायर वन 57 डिग्री के लगभग बराबर होते। मेरे भी पहले स्टैंड पे यही बात दिमाग में आई थी कि यार वन प्लस कॉस स्क्वायर वन आना चाहिए क्योंकि जीरो के करीब है, लेकिन फिर मैंने यहां देखा कि यार कॉस स्क्वायर वन तो संभव ही नहीं है, इसलिए मैंने इसको नेगलेक्ट किया। फिर उसके अगले सेकंड ही मेरे दिमाग में ये भी आ गई कि रेडियन है, क्योंकि मैं भी पहली बार कर रहा हूँ ये सवाल, मैंने भी करा नहीं। सीरियसली आप हंस रहे हैं? तो बात क्लियर है कि नहीं? किसी बच्चे को इस सवाल में डाउट है? बहुत अच्छा सवाल है ये, रिपीट कर। आपको तो यार इतनी नॉलेज है, हम तो आपके नॉलेज के फैन है। पता है हमारे जो हरकी पड़े वाले भाई साहब हैं, इन्होंने कोई फील्ड नहीं छोड़ा, इन्हें हर फील्ड में बेहतर नॉलेज है। आप बताइए भाई साहब। मैं इनसे क्या पूछूंगा? आपको तो खुद ही सारे फील्ड की नॉलेज है। आजकल बच्चे हमसे आगे निकल गए, हमें दुख होता है इन्हीं सब बातों से, तो हम परेशान हो जाते हैं। रात में 11 बजे बीपी चेक करवा के लौट रहा था, तो अपनी क्लास की एक बच्ची दुकान से सिगरेट खरीद रही थी। ये तो माहौल आ गए, ये सब बातें हमें लगता है यार हम कैसा समाज सोचते हैं, कैसी दुनिया सोचते हैं, और उसके बिल्कुल विपरीत समाज जा रहा है, दुनिया जा रहा है। नहीं मुझे लगता है कि कम से कम लड़का खरीद थोड़ी टेंशन कम होगी भाई। गलत है ये भी हो सकता है। नहीं मतलब, अरे जैसे आप मुझे अपना आइडियल मानते हैं, फॉर एग्जांपल आप लीजिए, मानते हैं ना, कल को आपको पता चले कि मैं जैसा आप मुझे सोचते हैं वैसा मैं नहीं हूं, तो आपको इस बात से दुख होगा थोड़ा बहुत? बिल्कुल होगा कि यार हम एक इंसान को जब ऐसा सोचते हैं तो मेरा तो केस में क्या है कि मैं वैसा ही हूं, बाहर भी मिलोगे तो भी वैसा ही हूँ, लोग मुझे ये बात कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि यार मतलब वैसा ही इंसान हूँ जैसे यहाँ पे, जितनी हंसी मजाक है जो भी सच्चाई है वो सब आपके सामने खुली किताब है, उसके अलावा कुछ और है नहीं उसके अलावा जीवन में। अरे अब बेकार की बात ना करो। चलो भाई वो भी क्लियर है जी। इसमें एक लड़का यहां से पूछ रहा था, मैं उससे पूछ रहा था उसके दिमाग का डाउट क्या है। कौन था? मुझे वाले वैसे आपको आगे समझ, आप तो यार बड़े लेवल के आदमी हैं। और भाई कौन था जो पूछ रहा था? मैं पूछ रहा था उसको कहां पे डाउट आ रहा है। सुने रेवाल तुम्हें था, तुम्हें आगे समझ? पिलर के पीछे है, कौन है लड़का? सॉर्ट आउट हो गया? अरे हाँ भाई तुम बोलो, कह दो ना। हाँ विदाउट ऑप्शन से, जैसे ये भाई पूछ रहा है कि इसको विदाउट ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। एक बात बताओ, इन दोनों में से अगर मैं इसकी बात करूं, ओ हरिद्वार वाले भाई साहब इधर सुन लो, एक लड़का पूछ रहा है कि इसको बिना ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, टेस्ट ले रहा हमारा,
या इसकी बात करें, इन दोनों में ही आप अच्छे से जानते हो कि इसका मैक्सिमम मान एक हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता, इसका भी एक हो सकता है। और एक अगर देखिए यहां पे ये अल्फा है, यहां पे ये कितना है अल्फा होता और यहां पे बीटा होता, तो पता है सवाल का उत्तर 1+1 2 आ जाता। आ जाता है नहीं आ जाता? यहां पे अगर अल्फा होता या बीटा होता तो हम कह देते इसका भी मैक्सिमम एक, इसका भी मैक्सिमम एक, एक और एक दो। लेकिन अभी नहीं कह सकते क्योंकि जिस वक्त ये एक आएगा उस वक्त जरूर नहीं है ये एक आए, क्योंकि बोथ थीटा आर सेम, अल्फा और बीटा इंडिपेंडेंट तो है नहीं, ये इस पे भी डिपेंड कर रहा है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई आपसे पूछे कि यार साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा का मैक्सिमम मान बताओ क्या होगा, अब ऐसे सवाल आ सकते हैं पेपर में, लिख लेना इसको भी। तो 1+1 कितना होगा, कितना होगा 2। कोई पूछ ले इसका मिनिमम -1 -1 कितना होगा, -2, क्योंकि डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अगर साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा पूछ ले तो फिर इस टाइप से निकलेगा ही नहीं, फिर हम अगले टाइप में जाएंगे +-√2 आएगा। बात समझ रहे हैं आपने? तो अब मुझे पता चल गया था कि या तो मैं इसका एक कर लू मैक्सिमम या इसका एक कर लू, एक तो मुझे करना है हर हाल में भाई, उससे ऊपर जाता ही नहीं। तो मैंने कहा अगर मैं इसका एक करूंगा तो मैं थीटा को कितना रखना पड़ेगा मुझे, कुछ भी भाई 90 रखना पड़ेगा ताकि ये जीरो हो जाए। तो ये जीरो जब होगा तो ये 1+ कितना आ गया, थीटा को मैंने क्या रखा 90, तो साइन स्क्वायर 1 आ गया, ये आ गया, यही ऑप्शन है। या फिर मैं इसको 1 कर सकता हूं, मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं इसको 1 कर लूं, इसको मैं 1 करूंगा तो ये 1 कब हो सकता है, जब साइन थीटा ही 90 डिग्री हो जाए, जो कि संभव नहीं है। ये 1 कहां हो पा रहा है, 1 हो भी जाएगा, मान लेते हैं कि साइन थीटा को मैंने 90 मान लिया, साइन थीटा बराबर ही 90 डिग्री है, सुनो साइन थीटा बराबर ही 90 डिग्री मान लिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा। अगर साइन थीटा 90 डिग्री है तो कॉस थीटा कितना होगा, √1 -90 डिग्री का स्क्वायर। 90 डिग्री का मतलब कितना हो गया लगभग, ऐसे मान लो, छोड़ो ना 90 डिग्री निकाल दो, π/2, π/2 का मतलब 1.57, साइन थीटा 1. कितना आ गया 57। तो यहीं से ये बात पता चल गई कि साइन थीटा कभी भी 1.57 नहीं हो सकता, ये तो एक से ही बड़ा नहीं होता। बात समझ रहे हैं कि नहीं, साइन थीटा तो भाई एक से ही बड़ा नहीं हो सकता, इसका मतलब कि 90 कभी नहीं आ सकता, ये तो एक बन ही नहीं पाएगा, इसका मैक्सिमम मान एक होता है, लेकिन ये कभी थीटा 90 पे तो नहीं बन पाएगा। ये किस पे बन सकता है ये देखना पड़ेगा, और किस पे बन सकता है ये 90 बन ही नहीं पाएगा, 90 मुझे नहीं लगता एक बन पाएगा, तो एक बन ही नहीं पाएगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है कि 1+sin²1। हमें पता था कि ये 1 हो सकता है, मान लेते हैं इसको चलो बना भी लेते 1, तो भी cos स्क्वायर जो आता वो sin स्क्वायर से छोटा आ रहा था, क्योंकि ये 1 का मतलब यहां पे 57 डिग्री है अधिकतम है। तो ऑप्शन की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं कि ऑप्शन की जरूरत होती तभी कर पाते, बिना ऑप्शन के भी कर सकते। हमें पता है इसका मैक्सिमम मान में 1 बना सकता हूं, और 1 के साथ ये sin²1 आ रहा है, तो ये मैक्सिमम है, इसके अलावा और कुछ नहीं। हाँ भाई, हाँ थीटा आपने 90 ले रहे हैं, थीटा 90 ले लिया आपने, तो यहां पे कितना आ गया कॉस 0 है, 90 तो लिया ही है ना, 90 लिया है, ये कितना हो गया 90/0, तो कॉस स्क्वायर 0 1 आ गया, और ये साइन स्क्वायर 1 हो गया। अरे तुम पागल हो, वो तुम्हारी पगलिया, सुनो तुम्हें अवार्ड दे दें, पद्मश्री या भाग्यश्री लोगे या तनुश्री, बोलो कौन सा अवार्ड चाहते हो। इस लड़के का कहना है, इस लड़के का कहना है कि कॉस स्क्वायर जब आप थीटा 90 ले रहे हो तो अंदर 0 होगा, तो कोई एंगल ना होगा तभी ना होगा, ऐसे कैसे कर दिए। अरे भैया 0 अगर किसी की स्पीड है तो चाहे तो उसे किलो पर में बोल लो, चाहे उसे मीटर पर सेकंड में बोल लो, 0 तो 0 है, 0 का कोई यूनिट नहीं होता, जो चीज 0 हो गई उसकी कोई यूनिट नहीं है। 0 डिग्री = 0 रेडियन, कोई गलत कर दे तो बता देना हमें, 0 डिग्री = 0 रेडियन। अच्छा चेंज कैसे करते हैं, आप भी जानते हो, π/180 से गुणा कर देते हैं, कर दिया 0 को जी π/180 से, फिर भी 0 है, हो गया नहीं हो गया चेंज, हट से
तो जीरो को हमने जीरो डिग्री में बदल लिया, पहले ये आया कॉस स्क्वायर जीरो, कॉस स्क्वायर जीरो आया, फिर इसको हमने 180 बटे पाई से गुणा करा तो ये कॉस स्क्वायर जीरो डिग्री बन गया। लो अब आ गया वन। अब ठीक है, जीरो तो जीरो है बेटा, जीरो का कोई यूनिट नहीं है, जो मर्जी यूनिट मान लो। तुम बात की गहराई को समझ के मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कैसे नहीं समझोगे हम बता रहे हैं। आप एक हंसी आपको बहुत आती है ना, अच्छा है, बहुत अच्छा है। पेन देना, भी वापस कर दूंगा, कल कर देता वापस, नहीं मैंने इसीलिए अभी बोला कि वापस कर दूंगा। बात क्यों कर रहे हो भाई तुम? तुम्हें क्या पिटाई चाह रहे हो? मुझे बता दो कि हमें जी पिटाई पसंद है, हम घर पे भी पिटते रहे हैं, हमारे लिए नॉर्मल है पिटाई। लो चलो लिखना एक बार जरा सवाल। ए बड़ा है जीरो से, बी बड़ा है जीरो से, ए बड़ा है जीरो से और बी बड़ा है जीरो से, ए बड़ा है जीरो से और बी भी बड़ा है जीरो से, और ए प्लस बी बराबर पाई बाई थ्री है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेन ए, टेन भी पूछ रहा है, और इसे एक ही बच्चा कर सकता है, वो है हमारा पांडला भाई। देखते हैं वो अपनी इस इज्जत पे कितना खरे उतर पाते हैं। प्रेशर काफी बढ़ चुका है और उन हालातों में सवाल करना और मुश्किल हो जाता है। बात मत करो, अभी उस पे लगा दूंगा, क्या बोलते हैं, ठिकाने पे, थोड़ी सी भी परवाह नहीं है मास्टर की, बैठा है यहाँ। एक तो सवाल नहीं हो रहे ऊपर से,
सुनो, मैं ये कह रहा था कि इतनी तेज चिल्लाने से नहीं बात बनेगी, थोड़ा और तेज चिल्लाना पड़ेगा आपको। क्या आप चिल्ला सकते हो इससे और तेज? चलो ऑप्शन लिख लो, 1/2, 1/2, 1/3, 1/√3 और 1/√2। मैं ये कह रहा था कि इस आवाज से कुछ फर्क नहीं पड़ पा रहा है क्या? और आवाज थोड़ी तेज हो सकती है? इससे बेसिकली क्लास उतनी डिस्टर्ब नहीं हो पा रही है। चलो करें। देखो सवाल करने के तो बहुत सारे कई स्टैंडर्ड मेथड हैं। मैंने क्या बोला? सवाल करने के तो बहुत सारे कई स्टैंडर्ड मेथड हैं, लेकिन ना तो आपका उतना स्टैंडर्ड है और ना मेरा उतना स्टैंडर्ड है जो मैं आपको इतने हाईफाई स्टैंडर्ड से सवाल करना सिखाऊं। तो हम कैसे करेंगे? बिल्कुल बेसिक तरीके से। छोटू, एक तो तुम खुद छोटे हो, ऊपर से बच्चे को ऐसे पकड़ के बैठते जैसे एक छोटा बच्चा और गोद में ले रखा हो, माँ नहीं पकड़ के बैठती। आजकल वो तनी वाला आता है तो बच्चे को ऐसे लपेट लेते हैं, ऐसे लगा रहता बच्चा, वो बंदरिया के बच्चे की तरह आजकल वो आ गए हैं। तो आप खुद बच्चे, एक बच्चा आपने सीने से लगाया हुआ है, क्या मतलब क्या भैया? बच्चा को तुम्हारा बैग लेके भाग जाएगा, यहाँ रखो आराम से रिलैक्स हो गए, ले जाएगा ले जाएगा, जो चीज ले गया समझ लो किस्मत में थी नहीं तुम्हारे। हाँ, अरे इनकी शादी पे इनकी पत्नी का स्टेटमेंट ये होगा 1 साल बाद कि अब मुझे 2 बच्चे संभालने पड़ रहे हैं। आपने बीच में बोलना है, किसी से हुआ ये सवाल? 1/6, 3 कैसे? मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप कैसे सीखते हैं इतनी सब चीजें? मेरे को नहीं आ पाती, तो मुझे थोड़ा तरीका बताओ। एलजेब्रा में मैंने बताई थी ये बात, अगर आपको याद हो तो। मैं इस सवाल को 4 तरीके से कर सकता हूँ, चारों ही एक्सप्लेन करता हूँ हल्के हल्के, ठीक है? पूरे पूरे आज तो गुप्ता जी भी पूरा एकदम सही लग रहे गुप्ता जी। जैसे
हमने पढ़ा था एलजेब्रा में कि एक्स इंटू वाई तभी मैक्सिमम होगा जब एक्स बराबर वाई, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? तो टेन ए बराबर टेन बी और ए बराबर बी, मुझे अच्छा लगता है जब आप पुराने मेरे बताए हुए कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं सवाल में। आप देखें किसी भी किताब में देख लीजिए, नेट पे डाल दीजिए इस सवाल को, आपको एक डेढ़ पन्ने बल्कि दो पन्ने का सोल्यूशन मिलेगा। आप किसी भी वेबसाइट के वेरा पे चले जाइए, इतना बड़ा ही सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन हम कितने आसानी से कर लेंगे, ए बराबर बी का मतलब कितना हो गया, तीस तीस, तो ये कितना आ गया, टेन तीस प्लस इंटू टेन तीस, वन बाई रूट थ्री, वन बाई रूट थ्री बराबर वन बाई थ्री। एक तरीका ये, एक तो ये लिखो, और भी बता रहे हैं फिर अभी ऐसे ही किया था पांडल भाई आपने, हो गया था ना आपसे, देख लो तारीफ करने के ही तो फायदे हैं। आपके पापा भी कहते होंगे बेटा आपने गणित की ट्यूशन सही जगह लगाई है, काफी सुधर गई हो तब से। आपको समझ आएगी जी भाई साहब बात, आपको पाके भी हमें अच्छा लगता है, धन्य हो गए हम, इट्स योर ऑनर। हम तो हॉनर पढ़ते हैं इसको, हमसे वो एच साइलेंट नहीं हो पाता, पता नहीं क्यों, क्योंकि हमें इसके बारे में जानकारी बहुत लेट हुई और उससे पहले आदत में इतना पढ़ चुका था। हॉनेस्ट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी सीख लेंगे जी, देखो मिटा दें इसको और घटिया घटिया तरीके देखते हैं। देखिए जैसे आपने दोनों तरफ टेन ले लिया, तो टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन ए टेन बी बराबर रूट थ्री, ये आ जाएगा या नहीं? या ऐसे नहीं समझ में आता तुम्हें? तो जैसे आपसे मैक्सिमम वैल्यू किसकी पूछी है, टेन ए और टेन बी की, तो टेन बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई थ्री माइनस ए लिख सकता हूँ कि नहीं? तो ये क्या आ जाएगा, टेन ए और ये रूट तीन माइनस टेन ए बटे वन माइनस रूट तीन, मैं तो समझ ही रहा हूँ यही आएगा, मुझे नॉलेज नहीं है इस बात की है, आपको भी बस हो गया खत्म है अब 30 फुट भैया कह रहे हैं कि अब 30 फुट कर देंगे आप बहुत मजे ले रहे हैं यार। इसको ऐसा करें, वन माइनस रूट थ्री से गुणा कर दें, बताओ वो मुझे ज्यादा ठीक लग रहा है। तो नीचे कितना आ जाएगा, वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर है, उसके बाद अब एक बार तो हर बात को सोचने की जिम्मेदारी मेरी है, तुम कुछ नहीं सोचोगे? तुम बताओ भाई वाली क्या करें इसके बाद सवाल में, पहले वाला सही है, लो अखरोट खाओ। हेलो खाएं कभी, कहीं फिर दिक्कत हो जाए बाद में, कहोगे जी उन्होंने अखरोट खिला दिए थे हमें आदत थी नहीं तो पछे नहीं तब से ही आना जाना लगा है। यार आप हंसते क्यों, मुझे समझ में नहीं आती बात।
बात वही पड़ेगी घुमा फिरा के। कुल मिला के एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लेंगे और उसके बाद उसको भी जीरो करेंगे तो वो फिर पाई बाई सिक्स ही हो जाएगा, मतलब कोई फंसेगा नहीं। तो पहले वाला तरीका सही है। अगर आपको और अच्छा तरीका ये कि आपको ऐसा ही तरीका सीखना सोफिस्टिकेटेड ही बिल्कुल कि नहीं मैं ऐसे ही करना चाहता हूँ, तो फिर इसका तरीका होगा ये कि आप जानते हैं टेन ए प्लस टेन बी बाई टू ये क्या होता है, ए एम बराबर होगा अंडर रूट टेन ए टेन बी। ये ए एम जी एम आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पढ़ा है? तो आप बताओ टेन ए प्लस टेन बी को क्या लिख सकता हूं मैं, अगर मैंने दोनों तरफ टेन लगा दिया होता तो टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन ए टेन बी बराबर अंडर रूट तीन। तो इसको लिख सकता हूं अंडर रूट तीन वन माइनस टेन ए टेन बी बटे दो ग्रेटर देन अंडर रूट टेन ए। अच्छा टेन ए टेन बी को वाई मान लेते हैं, वाई तो मान लिया और स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, वैसे भी ये पॉजिटिव है स्क्वायर कर देंगे फिर, तो ये तीन बटे कितना होगा चार और ये वन माइनस वाई का स्क्वायर बड़ा होगा वाई से, तो ये कितना आ गया जी थ्री प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई बड़ा होगा कितने से, ये कितना है चार है वाई है वाई और ये चार है फोर वाई, तो इधर लेके आएंगे तो थ्री वाई स्क्वायर और माइनस टेन वाई प्लस थ्री ग्रेटर देन, इसके फैक्टर कर सकता है कोई माई कलर, थ्री वाई अरे माइनस का नाइन वाई होगा कि नहीं होगा, तो थ्री वाई कॉमन आएगा थ्री वाई माइनस वन और वाई माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो यही होगा। तो आपने नंबर लाइन मैंने आपको कई बार बीच में पढ़ाई और आई भी है, करा है नहीं करा, तो एक तो एक बटा तीन आ गया और तीन आ गया। अब आपको पॉजिटिव रखना है तो पॉजिटिव दो ही खाने में हो सकता है, देखो किस किस में, कि या तो वाई जो है वो छोटा हो बराबर हो एक बटे तीन के क्योंकि इक्वल टू का साइन भी है, या फिर वाई बड़ा हो तीन से, दोनों बातें हैं कि नहीं, दो उत्तर आ गए कि या तो वाई तीन से बड़ा हो। तो अगर इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी जाती तो हम तीन बताते हैं, मैं बताऊंगा कैसे इन दोनों में से एक ही कंडीशन संभव होगी। अब आपने क्या बोल रखा है कि ए भी बड़ा है जीरो से और बी भी बड़ा है जीरो से, दोनों जीरो से बड़े, तो अगर मैं ए प्लस बी बराबर पाई बाई सिक्स है, अगर खाली ए को भी पाई बाई सिक्स मान लूं, पाई बाई थ्री दिया हुआ है, अगर मैं दोनों को भी पाई बाई सिक्स भी मानूं या कुछ भी मानूं मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो भी वो तीन से बड़ा नहीं हो पाएगा। आप बताओ मैंने दोनों को ही मान लिया, ये तो अभी इसने सम दिया हुआ है, मैं तो करूं मैंने दोनों को ही साठ साठ मान लिया एक को छोड़ो, तो भी टेन ए टेन भी कितना आएगा तीन, तो तीन से बड़ा तो उस केस में भी नहीं हो सकता जब दोनों मान लिए, इसका मतलब ये कंडीशन नहीं होगी। कौन सी कंडीशन होगी, ऊपर वाली होगी। तो ये तो अभी सरल फंस गया था कि पाई बाई सिक्स थी, अगर मान लेते हैं कंडीशन में कुछ और होता, पाई बाई सिक्स नहीं होता और ए बड़ा है जीरो से बी बड़ा है जीरो नहीं दिया होता तो फिर हमें इस तरीके से करना पड़ता। तो अब हम ये कहेंगे कि जो वाई का मान है वो लेस देन इक्वल टू वन बाई थ्री होगा, यानी कि वाई मैक्सिमम कितना हो सकता है एक बटा तीन। आपको हर की पड़ी वाले भाई साहब ये तरीका समझ में आया, ये मतलब आना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इसी सवाल में लगाना है, बट यू शुड नो ऑल अबाउट दिस। डिफरेंशिएशन से भी हो सकता है। एक और तरीका जो मैं लगाना चाह रहा था पता है क्या, कि मैं ए को मान लेता जैसे पाई बाई सिक्स में थोड़ा मुझे पता तो है नहीं, तो मैं ए को तो मानता पाई बाई सिक्स प्लस थीटा और बी को मानता पाई बाई सिक्स माइनस थीटा ताकि वो जोड़ के सेम हो जाए, वो भी बहुत तगड़ा तरीका होता, कहो तो वो बता दो, वो भी मजेदार है, मजा आता आप कैसे, अरे भाई मुझे भी बहुत मजा आता आपको पढ़ाने में से। ओए लक्की ओए लक्की पीछे बैठता है, ओए लक्की ओए लक्की, ये वाला फिर से, बच्चे इतने तरीके जानना क्यों चाहते हैं, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं, मजा आता है क्या उन्हें ऐसे, नॉलेज इज पावर और नॉलेज इज द की टू सक्सेस, की टू सिलेक्शन। क्या हुआ तेरा वादा ये कसम वो इरादा,
हमारे ये वाले भाई साहब गाते हैं, दरभंगा वाले भाई साहब, गाना तो इनका अच्छा होता है, हम नवा मेरे, ऐसे करते हैं। और एक तेवतिया, तेवतिया का तो सबसे बढ़िया होता है, छाती पे हाथ लगा गया ऐसे, कैसा सिला दिया वफा का, कैसा सिला दिया तुमने, किसी और को गले लगा लिया ये वफा का, कैसा सिला दिया हम तुम्हारे थे कभी, तुम हमारे ना हुए। यार तेवतिया का भी जो सिंगिंग है वो अल्टीमेट सिंगिंग है, पता है ये क्या करता है, दिल से हाथ से आवाज खींचता है, आवाज आ। इसको देखो कुछ नहीं है, आपको पता होगा ना, एम बड़ा होता है जीएम से, ये भी डिटेल में भी पढ़ेंगे, ए प्लस बी बाई टू बड़ा होगा अंडर रूट ए बी से, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी वही लगाया और कुछ नहीं किया, फिर स्क्वायर कर दिया और यहां से फैक्टर कर लिए इसके। देखिए अगर इसमें कोई कंडीशन ना दे रखी होती, मेरी बात फिर से ध्यान से समझो, अगर कोई कंडीशन ना दे रखी होती तो इसका मैक्सिमम मान 3 भी आता, और वैसे भी आपको पता रूट तीन 3 होता होता कि नहीं होता, तो वही 3 भी आता क्योंकि वाई बड़ा है 3 से, नहीं फिर तो इनफाइनाइट हो जाता, फिर मिनिमम मान 3 आता उस केस में। अगर कोई कंडीशन ना दे रखी होती तो उस केस में मिनिमम मान 3 आता और मैक्सिमम मान इनफाइनाइट, क्योंकि वाई बड़ा हो जाता 3 से, है कि नहीं। तो ये वाला ज्ञान हमें इसमें एक्स्ट्रा मिल गया थोड़ा सा। एक तरीका और जानना चाह रहे हैं, ये भी जान लो, थोड़ा नॉलेज के लिए जरूरी है। अगर कोई बच्चा कहीं से कुछ बोल रहा है और पूछना चाह रहा है तो ना पूछे, मेरा यही कहना है उसके लिए, ना पूछे, क्योंकि पहला वाला तरीका समझ में आ गया देन इट्स एनफ। यहां तो एक से एक बड़े टीचर मास्टर लोग भी बैठे हैं, हमें उनका भी ध्यान रखना है, कल को बच्चे ने उनसे सवाल पुटअप कर लिया क्लास में तो वो उस बात का रिप्लाई कर पाए, हमें उनको ऐसे बनाना है स्ट्रांग, तो हमें हर तरीके को देखना पड़ता है। अभी तो नजर जा नहीं रही किसी मास्टर पे, आप छुप छुप के बैठे हैं क्या, सब कोई दिख नहीं रहा। हेलो आए तो कर दो भाई, नहीं सब उनको चारों बैच अलाउ किया हमने ताकि जल्दी निकल जाए अपना। एक लड़का तो अयोध्या में कोचिंग चलाता है, जो भी पढ़ के गया है, डायरेक्टर भी और गणित भी पढ़ाता है, 3,000 बच्चे हैं उसकी कोचिंग में अयोध्या में, अभी पढ़ के गया शाम में 6:30 बजे उस दिन, कह रहा आपको मैं बुलाना चाहता हूँ एक बार, मैंने कहा जब बुलाओ, जब जब मर्जी हो तब बुलाओ। एक्चुअली बच्चे हमारी वीडियो जब आ गई तो बच्चे टीचरों से क्रॉस क्वेश्चन पूछने लगे, उसके लिए उनको लगा कि यार अब बच्चे इन्हीं वीडियो से पूछेंगे तो एक्स्ट्रा पढ़ाएं वहीं से ताकि और आगे की भी 4 बातें बता पाए, ये इसलिए उनको आना पड़ा, नहीं तो ऐसे थोड़ी ना कोई आता। पाई बाई 6 प्लस थीटा लिख सकते मान सकते हैं, और बी को पाई बाई 6 माइनस थीटा मान सकते हैं। आपको ये वाला तरीका ही पसंद आएगा, आप कहेंगे आप बहुत अच्छा सोचते हैं। ये बताओ ये ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, बोलो ए प्लस बी है या नहीं। अब आपको क्या निकालना है, टेन ए टेन बी का मान निकालना है, तो टेन ए कितना होगा भाई जरा बताना, 1/√3 + tan θ, ओए बटे 1 - 1/√3 tan θ * 1/√3 - tan θ। अरे टेन बी कहाँ लिखा जा रहा है, ए यहाँ लिख गया नीचे, 1 + 1/√3 tan θ, ऊपर ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, 1/3 - tan²θ, और नीचे पांडला यही चीज आपकी दिल छू लेती है, बताए आपको जो आपकी कैलकुलेशन है इतनी फास्ट है कसम से। हम बहुत मजाकिया टाइप के आदमी है पता है आपको, मिलते नहीं है इतने मजाकिया टाइप के। अब देखिए मैं क्या चाहता हूं आपसे, मैं ये चाहता हूं कि आप इसमें इसका भाग लगा दें, आपकी सहमति से मैं भाग करना चाहता हूं, तो आपकी सहमति ये कहती है कि पहले गुरुजी इसको 9 - 3 tan²θ / 3 - tan²θ लिखो, तो आपको ऊपर -8 भी करना पड़ेगा, बोलो करना पड़ेगा कि नहीं। अब जब भाग लगाऊंगा इसका डायरेक्ट इसमें तो कितनी बार लगेगा, 3 बार, -8/3 - tan²θ यही होगा। अब एक बात आप मुझे बताओ खुद ही कि आपको इसका क्या चाहिए, एक जगह रह गया tan²θ, आपको इसका मैक्सिमम मान चाहिए, तो आप चाहेंगे कि 3 में से कम घटे, यानी कि आपको इसका क्या चाहिए, मिनिमम मान,
मिनिमम के लिए आप चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या से भाग लगे, यानी नीचे वाले का क्या चाहिए, मैक्सिमम मान। और मैक्सिमम मान अगर इसका निकालना है तो आप चाहेंगे कि कम से कम घटे, यानी टन डेटा क्या हो, जीरो। वाओ, जीरो। तो ये कितना आ गया, 3 - 8/3 बराबर 1/3 आ गया। थीटा फाइनली जीरो आ गया, और वैसे भी तो थीटा जीरो ही था जब हम π/6 मान रहे थे तब, लेकिन हमने एक अप्रोच और दे दिया आपको। देयर विल बी अनदर अप्रोच, कि ऐसी सी भी अप्रोच है गणित में। गणित बहुत बड़ा है, पता है, कोई था नहीं है गणित की, देयर इज नो था। था की स्पेलिंग क्या होती है, सर्चलेस, तलाश है गणित, एंडलेस। और मैं उसमें डूबता ही जा रहा हूं, इसके वजह से सिलेबस भी लंबा हो जाता है। और पढ़ो अभी 15 मिनट, तब जाना, सुनो तो, और 15 मिनट और रुक जाओ, अभी चले जाना, मेरी भी क्लास है 2 बजे से। जा रहे हो अभी, मन कर, नहीं कर रहा मन अभी, तुमने पढ़ाई क्या ये तो बताओ, क्या पढ़ा अभी, रुक जाओ अभी चले जाना। कितना टाइम हो गया जी, 1:05 ना, तो 1:10 तक पढ़ा देता हूँ बस। गए क्या, अरे यार ऐसे आप बिना पूछे तो उठा मत करा करो, इट्स बिग योर बिग फॉल्ट कि आप यू सिट डाउन विदाउट पूछे। आगे तो अगला टाइप लिखो, टाइप 2। अरे यार आप फोटो नहीं ले पाए इतनी देर में, यार तुम क्या, तुम पहली मीटिंग में तुम फोटो नहीं ले पा रहे हो बे, तुम आदमी हो क्या हो। छोटू यार हमें तुम्हारी दुआ की जरूरत है, जब दर्द की कोई दवाई ना हो तो क्यों ना दर्द कोई दवा कहें, तेरी कतरे कतरे को तरसते हैं हम, तेरी दरिया दिली को क्या कहें। आपको जाना है, आप लखनऊ जाना है तो बहुत दूर है, आप हमें बोलते हैं यहीं से ऐसे उठाते, आप लखनऊ से आगे निकल सकते थे थोड़ा। चलो भाई छोड़ो, अब ये भी निकल रहा है, वो भी निकल रहा है, जब निकलना ही है सबको तो क्यों रुकना है।